गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय क्लास 10th का मैथ सुबह 5 बजे से चल रहा है, तो बच्चों आप लोग सभी जुड़ गए हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए जो जो जुड़ गया है, फटाफट कमेंट करिए। मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूँ, एक मिनट मैं इसमें वीडियो चला लेता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए चलिए, फटाफट कमेंट करते रहिए, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ। पंकज जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नव्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष एमडी नाबेद, गुड मॉर्निंग प्रिया सिंह, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग कनक लता जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका सरोज, और कौन है भाई अभी अभी जुड़े हैं, ललित कुमार, वीरेंद्र, नीतीश जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों सभी का नाम लेना संभव नहीं है, माफी चाहते हैं। चलिए हम आपके टॉपिक पे और क्लास में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, और इसमें अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आज हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना, और अगर कोई प्रकार का डाउट है आपके मन में तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताना, हाँ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए देखिए, समझिए, क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान यानी कॉमन डिफरेंस 2 है, और उसने एक चीज़ और भी दिया है, कह रहा है कि उसका 22वां पद जो है वो 149 है, यानी 22 पदों का जो मान तो निकालना है, इसमें दो चीज़ें दिया गया है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, या सॉल्व आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद लिखेंगे बच्चा दिया है, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा बेटा कि गिवन, क्या क्या दिया है, हमें कॉमन डिफरेंस दिया है और 22वां पद दिया है, यानी कहने का मतलब हमें ये ए 22 ऐसे कुछ दिया है का, दिया है ना, 149 दिया है, 149 दिया है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बेटा ए एन की जगह पे ये दिया ना, एन की जगह पे ना, यानी एन का मान क्या दिया है, 22 दिया है, एन का मान क्या दिया है, 22 दिया है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, कि 22वां पद इतना है, 22 पदों का योग निकालना है, हमें ए तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, बिना ए के कुछ नहीं होने वाला है, प्रथम पद होता ना ए। चलिए देखिए, समझिए, पूरा समझते चलना, कोई प्रकार का टेंशन मत लेना, ठीक है। ये हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र आप सभी जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हर कोई जानता है। तो चलो यहाँ पे मान रख देंगे, देखो बेटा ए एन, एन की जगह पे हमें 22 दिया है तो हम 22 रख दिए, और ए का हमें मान नहीं पता है, एन की जगह पे 22 माइनस वन इंटू डी, डी का मान 7, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए 22 का मान 149 दिया है, जो कि पहले से आप सबको पता है, इसमें से घटाओगे तो 21 आएगा, 7 का मल्टीपल करोगे जब 21 में, तो देखो बेटा इनका गुणा करना तुम्हें पता है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 147 आएगा, यानी 137 ना। यहाँ से जब ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम, 149 माइनस 147 इक्वल ए, क्योंकि ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 इक्वल ए, या ए इक्वल टू बोलो, बात दोनों एक है, यानी जो यहाँ से ए का मान आ गया, प्रथम पद कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रहा भाई, राम बाबू, पूनम, एकता चौहान, आ रहा समझ में, और कौन, बबीता, अच्छा कैसे आ गया। देखो भाई, बबीता ये पूछ रही कि यहाँ पे जो यन है उसका मान 22 कैसे आ गया। देखो यहाँ से समझो, कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसे निकालना है, तो डी का मान दिया है और कह रहा है 22वां पद 140, 22वां पद, यहाँ यन क्या होता है, यन जो है वो पदों की संख्या होती है, जैसे चौथा पद मतलब A4, हाँ 8वां पद मतलब वो पद नहीं है, वहाँ पद, जैसे मान लो, थोड़ा सा एक सेकंड समझ लो, जैसे बेटा ये एक श्रेणी है, समझना, जैसे यहाँ से समझना, ये मान लो एक श्रेणी है, बन रही है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, बोलो है ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसमें चौथा पद कितना है, 16 है, लेकिन वो है कौन पद, ये चौथा पद है, यानी हम इसे कह सकते हैं A4 है,
क्या है बच्चा, ये फोर है, यानी ये चौथा पद है, लेकिन चौथा पद का मान 16 दिया है। चौथा पद का मतलब ये नहीं कि चार है, नहीं वो चार नहीं है, वो चौथा है। तो उसी तरह से यहाँ क्या है, 22वां पद कितना 149 है। जैसे यहाँ पर चौथा पद 16 है, वैसे बच्चा यहाँ पर 22वां पद क्या 149 है। तो यन जो है वो पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर 22वां पद बोला था, इसलिए यन का मान क्या रखा गया, 22 रखा गया। ठीक है, आप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो फटाफट हो गया, बहुत जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं, वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। बेटा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आज हम कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूंगा इधर साइड से, नहीं तो इसी को मिटा देता हूँ, ज़्यादा जगह है। चलो देखिए, जब हम सिर्फ कमेंट पे ध्यान देते हैं तो फिर आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाता बेटा। ये मैंने कमेंट पे ध्यान देना बंद कर दिया, आप कमेंट करो, आपका रिप्लाई लिख के मिलेगा। इसके अलावा जब ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा, आप बाद में कमेंट करोगे ना तो आपको वो सब रिस्पांस मिलेगा। संडे को हम जो लाइव करते हैं उसमें सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई बात है जो है नहीं सुनी जा रही, तो रविवार को आओ लाइव, रविवार को सिर्फ कमेंट ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। चलिए, कह रहा था कि 22वां पद इतना दिया गया है, इसका 22 पदों का योगफल निकालना है। तो आप दूसरा वाला फार्मूला लगा दो बेटा, इसमें सब कुछ आ गया आपको, ये योगफल वाला सूत्र यही होता है, ए प्लस एल यही होता है मेन सूत्र ना। दिख तो रहा ना सभी को, नहीं मार्कर में थोड़ा और इंक भर देता हूँ, अगर बोलो नहीं दिख रहा है तो। चलिए आ जाएगा, तो हमें ये यस एन निकालना है। एन का मान कितना है, 22, वैसे तो दिया था ना भैया, 22 दिया था ना। और पहला पद ए का मान अभी 2 आया है, और अंतिम पद का मतलब वही जो 22वां पद है, 22वां पद 149 ना, 149 हो गया। इसको काटोगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 11 × 159, पूरा कर लो, 11 × 11 हासिल 1, 11 × 55 56 हासिल 5, 11 × 11 11 × 5 16, यानी जो यस एन आया वो कितना आया, 1661। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से कि आपका क्वेश्चन हो गया डन। फिर किसी को कोई डाउट तो बताओ, नहीं ना भाई इसे साइड कर लो थोड़ा सा, यार बहुत ज़्यादा अंदर में जा रहा है ये। जल्दी से लिख लीजिए, हो गया कंप्लीट, बहुत जल्दी करिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, फटाफट आ जाओ सभी। चलिए, कोई प्रकार की अगर बात है तो आप बताइए, जरूर बताइए, उसे टेंशन मत लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो फटाफट इसे लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा था। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो बेटा, एक 8 नंबर यहाँ दिख रहा है, 9 नंबर इधर दिख रहा है, तो पहले 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 9 नंबर बाद में देखेंगे। क्या कहता है, कह रहा है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उस एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। मतलब दूसरे और तीसरे पद A2 14 दिया है और A3 18 दिया है। 51 पदों का योग निकालना है, पदों की संख्या भी कितनी दी है, 51 दिया, यानी यन का मान भी तुम्हें दिया है। कर लोगे कि नहीं, है ना, कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया है, कर लोगे ना भाई। नवीन कुमार नहीं आएगा क्या, कर लोगे ना। हाँ, ये क्या इमोजी उमोजी भेज रहा है, पढ़ लो भाई चुपचाप, नहीं बहुत थप्पड़ थप्पड़ पड़ेगा, फालतू कमेंट ना करो कोई भी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पूजा अग्रहरी, बिल्कुल क्लास इस समय सुबह 5 बजे, हाँ सुबह 5 बजे। सुधांशु बेटा अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी चेंज कर लो अच्छा दिखेगा। कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, उनके नाम भी शामिल किए जाएंगे अगर वो टाइम से उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट्स आपको दिखते हैं, कुछ के दिखते भी नहीं आप लोग को, है ना। चलिए फिर आगे क्या करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है, यानी यहाँ पर एक 7 कह रहा है और एक 17 कह रहा है, तो कह रहा है कि इसके यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखोगे बेटा इसमें दिया है, इसमें जो जो दिया है पहले उसे लिखोगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, हल लिखो, गिवन, गिवन मतलब दिया है,
कह रहा कि सात पदों का योगफल 49 है, सात पदों का योगफल 49 है, यानी कि बेटा जो योग है, योग बोल रहा है, अगर सातवां पद बोलता तो फिर ये सेवन होता, योग की बात कर रहा है, यानी यस सेवन कितना है 49 है, और यस 17 ये 289 है। यहाँ से अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आप क्या क्या निकालोगे भैया, यन का मान निकाल लोगे कि नहीं? यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, ये कहानी यहाँ से कम समझ में आएगी, इधर साइड से ले चलना पड़ेगा। देखो समझो, यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, आप लोगों को बनानी पड़ेगी दो जगह। चलो देखो बनाओ, यहाँ दिख रहा है दो जगह बन जाएगी क्या, यहाँ पे बन जाएगी कि नहीं? बन जानी चाहिए, ये लो बन गया ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जरा ध्यान देना थोड़ा सा, यस एन इक्वल, पहले मैं कैमरा थोड़ा जूम आउट करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा और दिखे, जगह हो जाए यहाँ पर। अब देखो कैमरा मैंने जो है थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, अब आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे ये लाइन खींच दूँ क्योंकि क्वेश्चन इधर अलग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब आपको क्लियर होगा। ये लाइन मैं बाद में बनाऊँगा, पहले आप सूत्र देखो, सूत्र ये होता है एन अपान टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है आप सबको पता है योगफल वाला। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों को देखेंगे, कह रहा है कि सबसे पहले प्रथम सात पदों का योगफल 49 है और उसके बाद फिर 17 पदों का योगफल कितना है 289 है। तो पहली कंडीशन के लिए हम लेते हैं, ध्यान देना बहुत ही आराम से देखना प्यार से, पहली कंडीशन जब बोल रहा है कि सात पदों का योगफल क्या है 49 है, तो ऐसी कंडीशन में हमें दिया है क्या दिया है, यस एन सॉरी यस सेवन कितना दिया है 49 दिया है, और भी कुछ दिया है क्या हमें? अगर यस सेवन 49 है बेटा तो यहाँ से यन बराबर क्या है 7, ठीक है, और कुछ कह रहा है इसमें दिया है का? और तो मुझे नहीं लगता कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। यहाँ एक इक्वेशन बनेगा, हमें ए भी फाइंड करना है और हमें डी भी फाइंड करना है, सब फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पर जो दिया हम मान रख देते हैं, ध्यान देना हम सारे मान इसी में रखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, ये मुझे बगल बगल लिख लेना चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये थोड़ा डिसमिस हो रहा है, हाँ मतलब अच्छा नहीं है, ऐसे जगह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। एन बराबर 49 बेटा दिया है, ए बराबर हमें फाइंड करना है, आप सही है। अब देखो एन का वैल्यू आप रखोगे इसमें तो एन का मान 7 और ये 2, ध्यान देना अब ये 2a चूँकि हमें ए का मान ना दिया है, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान भी हमें नहीं दिया है, फाइनल में हल करेंगे 7/2 और देखना ये 2a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट कोई समस्या तो बता दो, नहीं ना। अब एक चीज़ का डाउट ये है कि यस यस 7 देखो बेटा दिया था ना ये ऊपर, तो ये 49 दिया है तो यहाँ पे आप 49 रखोगे या आप 49 रखो। अब देखो ये 49 इधर ये गुणा में है ना, इसके साथ में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, भाग में का मतलब ये 7/2 हो जाएगा, फिर ऐसे तो इसको हल नहीं करेंगे हम, फिर इसे हम गुणा में करके पलट देंगे, समझ रहे हो, थोड़ा शॉर्टकट कर लो, इतना हल करना तुम्हें आता 10 में पहुँचे हो, नहीं पहुँचे तो बताना, हाँ। तो इसे हम क्या करेंगे, गुणा से फिर से हटाएंगे इसे हल करने के लिए, और इसे हम क्या कर देते हैं भाग में कर देंगे, सॉरी भाग से हटा के गुणा में कर देंगे तो ये पलट जाएगा बेटा, तो 2/7 हो जाएगा और इक्वल ये हो जाएगा 2a प्लस 6d, ये कट जाएगा 7/49, ये आएगा 14 इक्वल 2a प्लस 6d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा आपका, समीकरण नंबर एक लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहला इक्वेशन हो गया क्लियर, बहुत जल्दी लिख लो बाबू, पहला इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे करोगे, देखो दूसरी शर्त में दिया है कि 17 पदों का योग 289 है, तो इसके लिए जो यन हो जाएगा 17 हो जाएगा और बाकी का सब वही रहेगा, तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत जल्दी इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो सोल्यूशन का, डन। चलो तो ये सब ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना इसमें क्या क्या बदलेगा, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो पूरी जिम्मेदारी समझाने की, क्या समस्या हो रही भाई, हाँ रूबिका नहीं समझ में आ रहा है, देखो क्लास में टाइम से जुड़ोगे तो आएगा, पक्का आएगा, क्लास में आप लोग टाइम से जुड़ो, लेट लपेट ना करो,
हेड लिपिट करोगे दिक्कत होती है। देखो इसमें 17 की जगह, सॉरी 7 की जगह 17 है, इनका मान जो 49 था वो 289 है, ठीक है। यन का मान जो 7 था, कितना था यन का मान यहाँ पे, 7 था ना, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा था, 49 7 था, सॉरी यन का मान यहाँ 7, आप लोग लिख लेना 7 7, ठीक है, क्योंकि ये 7 ही पदे की बात हो रही थी ना, 7 पद की, तो पहली कंडीशन में यहाँ पे आप ए 7 मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लेना, लेकिन अब तो 17 हो गया है, पहले ही क्वेश्चन के लिए था वो, और ए का मान नहीं निकल नहीं पता है, ये क्वेश्चन याद रखना, पहला भी काम लगेगा इसका। अब 17 मान रख दो हर जगह जहाँ पर यन है, तो 17/2 ऊपर मेन सूत्र देखो, 2a प्लस ये 17 माइनस 1 इंटू डी, अब ध्यान देना, तो ये 17/2 हो जाएगा, 17/2 और ये 2a प्लस ये 16d, ठीक है, यहाँ से समझ रहे हो ना। देखो बेटा इसका मान ये 17 का दिया है, 289 दिया है, कितना दिया है 289 दिया है, रख लीजिए, हो गया, कैलकुलेशन करना, ये इक्वेशन याद रखना, भूल ना पाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ लिख लेंगे 2a 60 = 14। चलो मैंने इसे संरक्षित कर लिया साथ में, चलो ये भी एक इक्वेशन बनाएगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा, इस इक्वेशन से दोनों से मिला करके ए और डी का मान निकाल लोगे, बस वही आपका आंसर है। तो देखो बेटा जब ये इधर आएगा, 289 है ना, इधर इसके साथ मल्टीपल में है, इधर आएगा इसके भाग में हो जाएगा, चलो मैं भागे में लिख देता हूँ, तो दूसरे तरीके से डिटेल में बता दूंगा, जैसे उधर फाइंड किया था पहले इक्वेशन में वैसे नहीं करूँगा। तो ये आपका 2a + 6d हो जाएगा, 16d हो जाएगा, सॉरी 16d, क्लियर। देखो बेटा इसको समझ लो, ये कहानी समझ लो थोड़ा सा, अगर ये ऐसा है 289/7/2 ना, आप देखो 7/2 तो भिन्न में है, ये पूरा पूरा फ्रैक्शन में है ना, लेकिन जो 289 है ये बेचारा अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी भी जोड़ी बना देते हैं। जोड़ी बनाने का मतलब कि जैसे ये 7/2 है ना, वैसे इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं, भिन्न के रूप के मतलब ये कि इसको हम 289/1 और इसके नीचे 7/2 करेंगे, जिससे दोनों की जोड़ी बन जाए। हाँ, उसके बाद बाहर का बाहर में गुणा कर देते हैं बच्चा, अंदर का अंदर में कर देते हैं बाबू, ठीक है, ये तरीका होता है। यानी कि 289 में आप ये 7 का मल्टीपल करोगे, लेकिन ये 7 नहीं होगा, 17 है तो 17 कर लो ये, ठीक है, तो बस समझ गए ना। यानी ये फाइनल में हो सकता है 289/2 और ये 17, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। यहाँ से हम इसी तरह से हल कर लेंगे इसको, थोड़ा सा जगह मुझे लग रहा है कम है, तो मैं उसे इधर साइड में हल कर लूँ, हाँ कहाँ पे हल कर लूँ, यहाँ जहाँ जगह बनाया यहाँ पे कर लूँ, चलो समझो भाई ध्यान से। रविशंकर समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ में, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अंजलि हाँ आ रहा है, ठीक है, चलो देखो अब समझो, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा, आप ऐसे बना सकते हो 289/2/17। अब मत पूछना कैसे हो गया, मैंने अभी सब बताया है, ये 2a + 16d हो जाएगा बेटा, 17 17 हम में होता है ना, अगर पढ़े हो तो तुम्हें याद है, नहीं पढ़े हो तो नहीं याद है, तो 17 दूना ये हो जाएगा 34। कैलकुलेशन आना चाहिए, अब ये मत कहना कि मुझे ये भी नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। यही क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया, ये फर्स्ट बन गया है, लिख लो जल्दी से, मैं मिटाता हूँ, इन दोनों इक्वेशन का काम लगेगा, बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ, बहुत जल्दी से लिख लो फटाफट। हो गया नितेश, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनुज ठीक है, वेरी गुड, चलो बेटा चलो चलो, अब दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना। देखो जब मैं सामने से हट जाता हूँ कैलकुलेशन करके, तो आप स्क्रीन शॉट ले लिया करो, तुरंत देर ना किया करो, फटाफट 2 सेकंड के अंदर आप स्क्रीन शॉट ले लिया करो, और बाद में ना प्यार से लिख लिया करो, और कापी पेन लेके बैठो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कौन कापी नहीं लिया है, खाली हाथ पड़ रहा है, कापी पेन सभी लिया ना, कोई नहीं लिया तो बता दो कि मैं नहीं लिया हूँ, तो उसकी पिटाई शुरू हो जाए पटक पटक के। चलो अब लिखो ये समीकरण 1 और 2 से, 2 - समीकरण 1, समीकरण 2 से 1 घटा लो। देखो बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई साहब, चाहे तो इसको 34 को उधर लिखो, चाहे इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो ये 2a प्लस ये 16 है, याद रखना यहाँ पे 16 था, 16 6d इक्वल 14। देखो बेटा दोनों को घटाएंगे तो घटाते समय सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ पे प्लस होता माइनस हो जाता, जहाँ पे माइनस होता वहाँ प्लस हो जाता, तो ये कट जाएगा, ये घटेगा आपका 10d इक्वल, ये भी घट जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ से 20 अपॉन 10 होगा भाई साहब 2 आएगा बाबू, कितना आएगा 2 आएगा, ये क्या आया डिफरेंस आया d। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे समीकरण हल करते थे बचपन में विस्थापन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि वही करेंगे, तो d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में d का मान रख दो बेटा, तो समीकरण एक था 2a प्लस 6d इक्वल 14, तो 2a प्लस 6d, d का मान 2 इक्वल 14, तो देखो बेटा ये 2a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12, क्योंकि ये 6 दूना 12 हो जाएगा, उधर जाएगा कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/2, यानी ये कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया 1 आ गया, याद रखना a का मान कितना आ गया 1 आ गया। हमें क्या निकालना था, प्रथम n पदों का योग निकालना था, अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, सब मिल गए हैं, अब हम n पदों का योग आसानी से निकाल लेंगे। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलो पूरा देख रहे हो तो समझ में आ रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, नहीं तो कुछ जो बगल बगल कैलकुलेशन होता है वो भी छाप लोगे अगर बाद में देखोगे। जल्दी करो, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाऊं मैं, मिटाऊं आगे बढ़ूं। अब क्या निकालना है बच्चा इसमें, अब हमें n का मान निकालना बेटा, हाँ an निकालना है। चलो फटाफट फटाफट बहुत जल्दी से करो, n का मान तो वो सब तो आ गया भाई, क्या निकालना था, कह रहा था इसकी प्रथम n पदों का योग निकालना है, ठीक। चलो अब n पदों के योगफल का सूत्र तो तुम सबको पता है, पता है ना, यस n बराबर जो अभी लगाए थे वैसे ही कुछ है, तो चलो लिखो n पदों का योग बराबर, आता है n पदों का योग बराबर, आता है n पदों का योग बराबर, लिखो फटाफट लिखो यस n इक्वल, भाई सूत्र तो वही है ना जो अभी सिंपल वाला, n अपॉन 2 2a प्लस, हाँ होता नहीं है ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमें यस n निकालना है बेटा। n का मान हमें कहीं दिया है क्या, n का मान नहीं दिया था कहीं भी, वो तो हम लोगों ने जुगाड़ से उस पद के माध्यम से निकाला था, बाकी n का मान कहीं भी नहीं दिया था। a का मान कितना दिया था 1 दिया था, तो 2 इंटू 1, ये n हमें पता है का, d का मान दिया है ना, d का मान कितना दिया 2, कितना दिया था 2, हाँ चलो क्लियर। तो बेटा ये आपका हो जाएगा n अपॉन 2 और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 का गुणा होगा n में तो 2n और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा बेटा, तो n अपॉन 2 कोष्ठक में आपका 2n बचेगा अंदर में, ये n 2 से 2 भी कट जाएगा, n का n में मल्टीपल होगा n का स्क्वायर आएगा, यानी आप कह सकते हो यस n का मान कितना आया n का स्क्वायर। मैं किसी को कोई परेशानी तो बताओ, एनी डाउट किसी को, कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ा जाए हाँ। तो फिर बच्चा देखो अब आप लोग और आगे कर लेना, ज़्यादा बड़ी क्लास तो आप लोग देखते भी नहीं हो, तो आज का ये सेशन यहीं पे बंद किया जाए। याद रखना सुबह 6 बजे से आपका हर दिन लाइव सेशन होता है, कभी कभी बीच बीच में वीडियो भी आ जाता है, अधिकांश लाइव होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जय हिंद साथियों, क्लास को लाइक और शेयर करके जाना बाबू, प्लीज लाइक और शेयर करके जाना, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना।